नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान जिले के लकड़ी नबीगंज थाना इलाके के भूपतपुर माध्यमिक उच्च विद्यालय में बीती रात चोरों ने ताला काट करके लाखों के सामान की चोरी कर ली है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब सुबह में लोगों को पता चला तो विद्यालय का ताला जब उन्होंने देखा कि टूटा हुआ है, तो अंदर की तरफ जब प्रवेश किए तो पता चला कि उसमें एलईडी लाइट, कंप्यूटर और भी जो कीमती सामान है तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की, वह चोरी कर लिए गए हैं। फिर क्या हुआ, तुरंत विद्यालय की प्रशासन को सूचना दी गई और विद्यालय के शिक्षक प्रधानाध्यापक मौके पर पहुंचे और वहां पर देखा तो सारा सामान तितर बितर हुआ था। चोरों के द्वारा दरवाज़ा का जो ताला है वो काट करके चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया था। आपको बता दें कि दरअसल इसमें लोगों का कहना है कि आए दिन कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों का बैठक चलते रहता है, पार्टियां होती रहती है और आखिरकार वहां के जो शिक्षक है वो डरते हैं कि अगर हम शिकायत कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे साथ जो बदमाश हैं कहीं किसी तरह की वारदात या घटना ना कर दें। और इसी को देखते हुए आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सीवान जिले के लकड़ी नबीगंज भूपतपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ पर ताला काट करके और विद्यालय में रखे तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ली गई, जो कि कंप्यूटर थे, एलईडी लाइट थे और भी बहुत सारे कीमती सामग्री थी जिसकी चोरी कर ली गई है। खिड़की के जो दरवाजे शीशे हैं कांच के, उसको भी तोड़ दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी घटना है कि विद्यालय को भी अब चोरों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। आए दिन अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे चोरी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होने लगेगी। और ये तो अभी शुरुआत है, वैसे ही शुरुआती के दौर में ही चोरों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो ये हम आपको एक बार फिर से बता दें कि तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की सामान की चोरी कर ली गई है। कंप्यूटर है, एलईडी लाइट है और भी कीमती कुछ सामान है, जो कि लकड़ी नबीगंज थाना इलाके के भूपतपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरों द्वारा बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और इस तरह की बड़ी घटना की गई। लोगों की भीड़ लगी, देखना होगा कि वहाँ के थानाध्यक्ष द्वारा कब तक कार्रवाई की जाती है। सोमवार को सुबह रात्रि प्रहरी के द्वारा हमें खबर दिया गया कि विद्यालय में चोरी हो गया है स्मार्ट क्लास में। क्या नाइट गार्ड क्या ड्यूटी में नहीं थे क्या? नाइट गार्ड ड्यूटी में थे, उनका तबीयत खराब हो गया था तो चले गए थे निजी क्लिनिक में। उसके बाद एक घंटे को अंजाम दिया गया है। हाँ, उसी दरमियान जो है चोरी हो गया है। सुबह हमको सूचना मिला तो हम विद्यालय पर भागे भागे आए यहाँ। इसके बाद हम थाना को सूचना दिए, जाके आवेदन दिया गया रात्रि प्रहरी के द्वारा। क्या अभी तक थाना जांच करने आई है कि नहीं? अभी तक थाना यहाँ जांच करने विद्यालय पर नहीं आई। तो थाना अभी तक जांच करने है, क्या कहेंगे इस पर? तो ये तो प्रशासन का ना दोष है कि अभी तक जो है सरकारी संपत्ति की चोरी हुई है और अभी तक जो है एक भी जाँच नहीं हुआ। अपना पर्चा उच्च माध्यमिक विद्यालय भूपतपुर के।